कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम आप लोगों के लिए फिर एक नई और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लग रही होगी। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, आपके प्यार की, आपके साथ की हमें बहुत ज़रूरत है। अगर आप इसी तरह हमें सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छी अच्छी नई नई वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा तो हम किस बारे में वीडियो बनाने लगे हैं, ठीक है ना। जैसे कि अब आ गई हैं सर्दियाँ, ठीक है ना। सर्दियों में आप लोगों के पास, मैं आप लोगों को थोड़ा आइडिया दूंगी, आइडिया जैसे कि मैंने खुद कलेक्शन रखी हुई है तो मैं आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया दूंगी कि अगर आपके पास जैकेट, स्वेटर्स वगैरह ये जितने भी हैं आपके पास, तो आपको कौन कौन सी और किस किस तरह की कलेक्शन रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो बस यही थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ठीक है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी फ्रेंड, जैसे कि ज़ैनब ने जीन्स और शॉर्ट टॉप पहना है, ठीक है ना। अब इसके साथ आप क्या वेयर कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा तो सर्दी नहीं आती, कभी कभी आ जाती है, कभी कभी नहीं होती। जैसे कि अब बारिशें हैं, बारिशों में आप लोगों के पास एक कलेक्शन होना चाहिए ब्राउन और ना स्किन कलर की जैकेट, जैसे कि हमारे पास ये है, ठीक है ना। अब ज़ैनब ने अपना ये टॉप पहना है, ज़ैनब इसके ऊपर आपको वेयर करके दिखाएगी ये। तो क्योंकि जो ज़ैनब ने टॉप पहना हुआ है वो इतना गर्म नहीं है, ठीक है ना, वो एक किस्म का फैशन हो गया आपका नीचे, और ऊपर ज़ैनब ने ये पहन लिया जैकेट, ठीक है ना। नीचे ज़ैनब ने बेल बॉटम जीन्स पहनी है और नीचे ज़ैनब ने लॉन्ग शूज़ पहने हुए हैं, ठीक है, हाई हील वाले। तो यानी कि ये ज़ैनब के साथ सेट हो गया। ये आप ऐसे बटन भी आगे से बंद कर सकते हैं, इसको ऐसे ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये फुल गर्म है, अंदर से पैराशूट है, ऊपर से वूल है, यानी कि फुल गर्म जैकेट है, आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगी। अक्सर जो जैकेट्स होती हैं ना, आप हमेशा डार्क कलर्स की रखा करें, बीच में एक दो लाइट कलर रख लिया करें, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। तो ये थोड़ी सी ब्राउनिश लुक में है, थोड़ा ग्रे और ब्राउनिश लुक की ये शेड दे रहा है। ये एक वूल वाली जैकेट है ज़ैनब के पास, ठीक है ना। अब हम सेकंड आपको दिखाते हैं कि सेकंड हमारे पास कौन सी है। ये बैक से भी कुछ ऐसी है और ऊपर से कॉलर है, ठीक है ना। ये इतनी लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अपनी दूसरी जैकेट की तरफ। जी फ्रेंड, जैसे कि ज़ैनब ने टॉप चेंज कर लिया है, टॉप ज़ैनब ने फुल गर्म पहना है, ग्रे कलर का टॉप है, बेल बॉटम जीन्स के साथ पहना है। ये टॉप बहुत गर्म है, ज़ैनब ने इसके साथ हुडी वाला जैकेट लिया है, जो है कि ब्लैक है, जो उसकी हुडी है ना वो ग्रे है, ठीक है ना। तो यानी कि इसके बाजू नहीं है, क्योंकि जैक हमारा जो टॉप है वो वैसे ही बहुत गर्म है। तो ये ज़ैनब ने थोड़ा ब्लैक कलर का रखा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत मिट्टी और बहुत डस्ट होता है, इसलिए थोड़ा डार्क शेड रखा हुआ है ज़ैनब ने, ठीक है ना। इसका हुडी भी है, टॉप तो हमारा गर्म हो गया, ठीक है। बाजुओं से आपको लगेगी नहीं सर्दी, अगर आपको सर पे, गर्दन पे सर्दी लग रही है तो आप टॉप ले सकते हैं, हुडी ले सकते हैं ऊपर, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट में है, बहुत शॉर्ट में है, कमर तक इसकी लेंथ है, ठीक है ना। ये स्टाइल एक ये है ज़ैनब के पास, ठीक है ना। ये हमारी सेकेंड जैकेट हो गई। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड जैकेट की तरफ। जी फ्रेंड, अब हमारे पास एक और लुक आ गई है, जैसे कि ज़ैनब ने ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई है और ब्लैक जीन्स पहनी है। जो ज़ैनब की जीन्स है ना, वो ज़ैनब की कमर तक फुल ऊपर तक है, ठीक है ना। फ्रंट पे उसके सारे बटन है, वो भी ब्लैक में है, और ज़ैनब ने इसके साथ जूती पहनी है हील वाले, ठीक है, पेंसिल हील पहनी है, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में है। आपने अगर शॉर्ट टॉप पहना है, टी शर्ट पहना है, जीन्स के अंदर आपका टी शर्ट है, तो आपने उसके साथ हील पहनी है, ठीक है ना। और ज़ैनब इसके ऊपर पहनेगी लॉन्ग ज़ैनब की जैकेट है, इसको कहते हैं तो ये देखें, ये कुछ इस तरह है, ठीक है ना। ये लॉन्ग कोट है, तो ये फुल आपके हिप और आपकी टांगे सब कवर कर देगा, ठीक है ना। ये इतना गर्म भी नहीं है और इतना ठंडा भी नहीं, यानी कि आप इसको नॉर्मल मौसम में पहन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह है, ज़ैनब ने इसको ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट के ऊपर वेयर किया है, ठीक है ना, और इसके साथ लॉन्ग हील पहनी है। ज़ैनब इसको आप ऐसे फ्रंट से खोल के भी दिखा सकती हैं, ये देखें, ठीक है। एंड इसकी पॉकेट्स हैं साइड पे, ये बहुत ज़बरदस्त लुक है, बहुत ज़बरदस्त लुक है। और इसके साथ आप लॉन्ग सा बैग भी ले सकते हो, ठीक है ना, जैसे या बड़ा बैग जैसे आपको पसंद हो। तो ये हमारी आज की ये एक लुक है। अब हम चलते हैं अपनी एक और लास्ट वन लुक की तरफ, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को कौन सी लुक अच्छी लगी है, और कौन सी जैकेट आपको अच्छी लगी है, और कौन से ब्रांड की है, कहाँ से लिया। अगर आप ये सब कुछ पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम दिया हुआ है, वहाँ जाके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, वहाँ जाके आपने फॉलो भी करना है। जी फ्रेंड, इसके ऊपर ही ब्लैक शर्ट और जीन्स के साथ हम आपको एक और लुक दिखा देते हैं। मैंने सोचा अगर आप लोग लॉन्ग जैकेट पहनना पसंद करते हैं तो लॉन्ग कोट भी पहन सकते हैं, और अगर आपके पास इस तरह की फ्रिल वाली जैकेट है, ठीक है ना, ये फ्रिल वाली जैकेट है, इसको पास आके जाने पर लुक दिखाएगी आपको। ये इस तरह की है जैकेट, ठीक है। तो ये बहुत गर्म है, ये बहुत गर्म जैकेट है,
ठीक है ना, यानी कि अगर आप इसको फुल अपनी हाफ बॉडी पर भी पहनते हैं ना तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी साथ, ठीक है। ये देखिए ज़ैनब ने ये पहना, यानी कि अब ज़ैनब पूरी ब्लैक हो गई है, ठीक है। टी शर्ट भी ब्लैक है, ज़ैनब की जीन्स भी ब्लैक है, और ऊपर से ज़ैनब ने जो कोट पहना है वो भी ब्लैक है, ठीक है ना। तो इसके साथ ज़ैनब वेयर करेगी, अगर आप इजी है कंफर्टेबल, आप हील नहीं पसंद करते पहनना, तो आप इसके साथ कोई डार्क कलर के या लाइट कलर के बेबी पिंक, रेड, ब्लू, इस तरह के कोर्स शूज़ या पंपी पहन सकते हैं, ठीक है ना। या शूज़ पंपी ही कहते हैं इनको, पंपी आप पहन सकते हैं, क्योंकि अगर आप ब्लैक ही पहनेंगे तो फिर आप पूरी ऊपर से नीचे ब्लैक हो जाएंगे, इसलिए आप इन्हें इसके साथ पिंक कलर की पंपी पहनी है। ये देखें, ये भी कितनी प्यारी लुक लग रही है, और इसके साथ हाई सा टेल आप जूड़ा बना ले फ्लफी सा, तो इसकी लुक भी बहुत ज़बरदस्त है। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट एंड फाइनल लुक की तरफ, और आप लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में लास्ट भी बताना है कि आपको कौन सी लुक अच्छी लगी है, ठीक है जी। फ्रेंड, ये हमारी फाइनल लुक है, आप देखें ज़ैनब ने शॉकिंग पिंक कलर का टॉप पहना है, ये इतना गर्म नहीं है, लाइट वेट है, और नीचे ज़ैनब ने ब्लू कलर की, नेवी ब्लू कलर की ज़ैनब ने जीन्स पहनी है, जीन्स नहीं है ये है, स्किन टाइट है, यानी कि स्किनी है ये जीन्स है, साइड पे इसके बटन होते हैं, और इसके साथ ज़ैनब ने स्किन और शॉकिंग पिंक कलर का पेंसिल हील पहनी है, ठीक है। ये फ्रंट से सारी कवर है, बैक से ओपन है हील, और इसके ऊपर ज़ैनब ने जैकेट किया है, शूज़ के साथ मैच करके स्किन कलर का कोट लिया है, ये कोट भी बहुत गर्म है, अंदर से पैराशूट लगी है, ऊपर से वूल है, यानी कि बहुत गर्म है। इसके साथ आप बालों को हाई टेल भी कर सकते हैं, जूड़ा भी कर सकते हैं, आप इसको ओपन करके आगे से फ्रंट से भी खोल सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने हुडी वाला पहना हो तो उसके साथ आप बालों को इतना ओपन ना रखें, उसके साथ आप बालों को जूड़ा छूड़ा ही रखें, और अगर आपने हुडी के बगैर पहना हुआ है तो आप उसके साथ हाई टेल कर सकते हैं और ओपन भी हेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़ैनब ने इसके साथ हाई टेल, फ्लफी सी हाई टेल की है, और स्किन कलर का ज़ैनब ने हील पहना है, पीछे से ओपन है, आगे से बिल्कुल कवर है, उसके साथ जैकेट के साथ मैच करके शॉकिंग पिंक टॉप पहना है, नेवी ब्लू कलर का ज़ैनब ने इसके साथ वो पहन लिया, ठीक है। ये देखें, ये फ्रंट से ऐसे है ज़ैनब, बैक होके आप हमारे सब्सक्राइबर को एक बार जैकेट दिखा दो, उसके बाद हमारे सब्सक्राइबर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनको आज की लुक हमारी कौन सी वाली सबसे अच्छी लगी है, कौन सी जैकेट, कौन सा कोट ज़्यादा अच्छा लगा है, कौन सा हील्स, कौन सा लुक ज़्यादा अच्छा लगा, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर फ्रेंड्स आप लोगों को शलवार कमीज़ के ऊपर क्या हमें कैसी जैकेट क्या वेयर करना चाहिए सर्दियों में, तो अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर जाके मैसेज करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली वो वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। जीन्स और टॉप के ऊपर तो मैंने आज आपको बता दिया कि आप क्या पहन सकते हैं, कौन कौन सी आपके पास कलेक्शन होनी चाहिए, स्किन ग्रे और ब्लैक और पिंक, ये तीन चार कलर आपके पास होंगे, आप हर एक ड्रेस के साथ हर एक कलर के साथ पहन सकते हैं, ठीक है ना। जो मोटे लोग हैं वो आप ब्लैक कलर के और ग्रे कलर के कोट लिया करें और स्वेटर लिया करें, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको स्लिम दिखाते हैं। तो ये हमारी आज की लुक थी और आज की वीडियो थी, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना, मिलते हैं कल एक और नई अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।